हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शराब नहीं देने पर एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वही प्रकरण का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक बलिराम परदेसी ने अधिक जानकारी साझा की। मिली जानकारी के अनुसार मृतक धीरज शराब पी रहा था कि आरोपी मंगेश ने उससे एक पैक मांगा। धीरज ने अपने हिस्से की शराब देने से इनकार कर दिया, इस वजह से दोनों के बीच विवाद होने लगा। हाथापाई होते देख अन्य साथियों ने बीच बचाव कर झगड़ा शांत किया। शराब नहीं मिलने के कारण नशे में धुत मंगेश बौखलाया हुआ था। धीरज भोजन करने बैठ ही रहा था कि मंगेश और उसके साथियों ने उस पर धारदार हथियार से पेट पर वार कर मौत की घाट उतार दिया। मंगेश और अन्य साथी वहां से फरार हो गए। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने धीरज का शव उसकी कार की ड्राइवर सीट पर रख दिया और मेडिकल अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों को जानकारी दी कि धीरज गुमगांव पुलिया के समीप जख्मी अवस्था में पड़ा था। खबर मिलते ही हिंगना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस को उनकी बातों पर संदेह हुआ। 2-4 फटके पड़ते ही जितेंद्र ने सच्चाई बता दी। 27/12/21 रोजी संध्याकाळी 10:30 वाजेच्या दरम्यान आम्हाला माहिती मिळाली की गुमगाव येथे एका धीरज ज्ञानेश्वर माकुडे या युवकास 4-5 त्याच्या मित्रांनी मारहाण केलेली आहे। आम्ही त्याला मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलं आहे आणि उपचारादरम्यान तो मयत झालेला आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून आम्ही ताबडतोब गुमगाव येथे गेलो। गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती घेतली आणि त्याचे जे मित्र आहेत त्यांची नावं निष्पन्न करून आम्ही त्याचे जे 4-5 मित्र आहेत श्रीराम ढोले आहे, बापू मतोले, स्वप्नील डेकोरे, विष्णू मिश्रा आणि मंगेश टोंगे यांना ताबडतोब अटक करून त्यांना कायदेशीर कारवाई केली आहे। इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इस मामले में कार्रवाई करते हुए धीरज की हत्या के आरोप में धीरज मिश्रा, स्वप्निल डेकाटे, श्रीराम ढोले, कृष्णा मेंडुले, जितेंद्र ढोले गुमगांव व राजकुमार डेरकर सातगांव निवासी को गिरफ्तार किया है। घटना का मुख्य आरोपी मंगेश टोंगे अभी भी फरार है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।